इसके पहले की वीडियो हमने बना रखी है, जिसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक हम रख देंगे। इस वीडियो को समझने से पहले साइंटिफिक नोटेशन क्या है, किसी नंबर का साइंटिफिक नोटेशन कैसे रखते हैं, इसकी जानकारी हमने पहले वाली वीडियो में दे रखी है, उसको जरूर देखें, उसके बाद फिर ये आपको समझ में आएगा। आज हम आपको बताएंगे कि किसी साइंटिफिक नोटेशन में उसकी पावर को कैसे चेंज करते हैं। तो पहले हम एक साइंटिफिक नोटेशन का कोई एग्जांपल लेते हैं और एक एक एग्जांपल बना करके भी देख लेते हैं। सपोज हमारे पास एक नंबर है 5 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0, इस तरह, और भी इससे भी कोई बड़ी नंबर हो सकती है। हमें इसको साइंटिफिक नोटेशन के द्वारा रखना है शॉर्ट फॉर्म में, तो हम इसमें देखते हैं डेसिमल कहाँ है, हमें कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन सुविधा के लिए हम डेसिमल को सबसे लास्ट में मान सकते हैं कि यहाँ डेसिमल है। अब साइंटिफिक नोटेशन का जो रूल है उसमें हम डेसिमल को लाते हैं कहाँ, फर्स्ट डिजिट के बाद लाते हैं। अब जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है वो है आपकी 5.26, फिर आपको इसके 10 के पावर में कन्वर्ट करके रखना है। आप देखें इसमें कहाँ से चले हैं और कहाँ तक पहुँचे हैं, तो डेसिमल पॉइंट आपका यहाँ से शुरू हुआ है और यहाँ पर फिनिश हुआ, इनके बीच के जितने भी स्टेप्स हैं हम उनको काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो पावर हमने कर दिया 11। अब ये जो पावर 11 है इसमें पॉजिटिव पावर है, इसके लिए भी हमने वहां ट्रिक बता रखी है, समझाया है उसमें कि जब हम डेसिमल को राइट टू लेफ्ट लाते हैं तो पावर पॉजिटिव होती है। ट्रिक हमने बताया था रेलवे लाइन पोजीशन, रेलवे में जो आर था वो राइट है, जो एल था वो क्या है, लेफ्ट है। मतलब आप जब राइट टू लेफ्ट जाते हैं तो पावर आपकी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। या हम कह सकते हैं किसी की पावर पॉजिटिव चेंज करना है तो हमें राइट टू लेफ्ट जाना पड़ेगा। चलिए एक एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं, 0.0000 ऐसे रखते जाएं और एक स्मॉलेस्ट नंबर ले लेते हैं। हमने यहाँ पर देखा कि डेसिमल इस जगह रखा है, जो इसका रूल है कि डेसिमल को फर्स्ट डिजिट के बाद होना चाहिए, तो हमने फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद रखा। अब हमारा आंसर होना चाहिए 2.39 × कितने स्टेप चल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो यहाँ पर भी हमने पावर 11 रखा, लेकिन पावर पॉजिटिव होना चाहिए कि नेगेटिव, तो यहाँ पर पावर होगी नेगेटिव, क्योंकि आप चल रहे हैं लेफ्ट टू राइट। जब हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो पावर नेगेटिव होती है। इसके लिए भी मैंने वहां पर ट्रिक बता रखी है, आप उसको देख सकते हैं। उसमें मैंने लिखा है लॉन्ग रेंज नेटवर्क, लॉन्ग से जो आपका एल है ये बना लेफ्ट, और लेफ्ट से हम कहां पहुंचना चाहते हैं, राइट। जब हम लेफ्ट टू राइट पहुंचेंगे मतलब यहां नेगेटिव, तो पावर हमारी कैसी रहेगी, नेगेटिव रहेगी। इतना यदि आपको समझ में आ गया है तो अब हमारी कभी कभी आवश्यकता बनती है किसकी पावर 11 है तो पावर चेंज करना है। कैलकुलेशन में हमें पावर कभी इसको कम करना पड़ सकता है, कभी ज्यादा, ठीक इसी तरह इसकी भी पावर कम और ज्यादा करनी पड़ती है। तो अब हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं किसी भी नंबर की पावर को चेंज करना।
अब किसी नंबर की पावर कैसे चेंज करते हैं? मान लेते हैं एक हमारे पास नंबर है 6.3 × 10⁻⁴ रखा है, चलिए मैं पॉजिटिव वाला पहले ले लेता हूँ, 5 रखा हुआ है। अब हमारी डिमांड ये है कि जहां पर 5 लिखा है हम उसकी जगह पर 4 लाना चाहते हैं, मतलब पावर को हम डिक्रीज करना चाहते हैं। सोचने वाली बात है, यदि 5 की जगह हम 4 लाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1 स्टेप इसमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, मतलब हमको यहां इसमें एक नेगेटिव करना पड़ेगा। तो नेगेटिव करने का सिस्टम क्या होगा, हमने यहां पर लिख रखा है लेफ्ट टू राइट नेगेटिव। यदि हम कोई नेगेटिव पावर लाना चाहते हैं तो डेसिमल को हमें लेफ्ट टू राइट ले जाना पड़ेगा। कितने स्टेप, जितना यहां पर आप डिक्रीज कराना चाहते हैं, जितने स्टेप नेगेटिव लाना चाहते हैं उतना ही आप लेफ्ट टू राइट डेसिमल को ले जाइए। तो ये डेसिमल को हम ले जाएंगे कितना स्टेप, 1 स्टेप, यानी अब हमारा आ जाएगा ये 63.0 अपने आप रख देना, ये बन गया 63 × 10⁻⁴। चलिए एक एग्जांपल में और ले लेता हूं, इस बार 4.28 × 10⁻⁶ है। किसी कैलकुलेशन में हमारी आवश्यकता है कि हम 6 को 7 बनाना चाहते हैं, मतलब इस बार की पावर हम बढ़ाना चाहते हैं, एक्सपोनेंट को बढ़ाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 10⁻⁶, यदि हम यहां 7 लाना चाहते हैं तो 1 हमें यहां ऐड करना पड़ेगा, मतलब कि पावर हमको पॉजिटिव करना है। और जब भी हमको पावर पॉजिटिव करना है तो आपको मैंने ट्रिक बता रखी है, रेलवे लाइन पोजीशन, मतलब राइट टू लेफ्ट जाना है, जब हम राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो डेसिमल को हम कहां लाएं, राइट टू लेफ्ट, कितना स्टेप लाएं, जितनी पावर आप यहां रखना चाहते हैं। तो हम यहां, ये हमारा राइट हो गया, और राइट से इस बार लेफ्ट की ओर जाएंगे कितना स्टेप, 1 स्टेप, तो अब बन जाएगा 0.428। इस डेसिमल के पहले हमने जो जीरो रख दिया है इस डेसिमल को हाईलाइट किया है और इसके पहले जीरो रख दिया, ठीक इसी तरह यहां पर भी डेसिमल के बाद जीरो रखा है उसको भी हाईलाइट किया है, मार्क कर दिया। अब ये 0.428 × 10⁻⁶ एंड 1 क्या बन गया, 7 बन गया। तो हम कुछ एग्जांपल्स और ले लेते हैं, और ये एग्जांपल मैं आपको देता हूं, आप वीडियो को पॉज करके ये एग्जांपल करें। 7.08 × 10⁻⁹ है, हम इसको 10⁻⁩ में कन्वर्ट करना चाहते हैं। दूसरा एग्जांपल है 4.78 × 10⁸ है, हम इसको 4 में कन्वर्ट करना चाहते हैं। आप इन्हें सॉल्व करिए। हाँ, तो अब देखिए यहां पर आपका आंसर क्या रहा होगा, हम यहां 7.08 × 10⁹ हम इसकी जगह 10 करना चाहते हैं, मतलब यहां पर हम एक यूनिट पावर बढ़ाना चाहते हैं। तो ये हो गया 10⁹, 1 यूनिट यहां तभी बढ़ सकता है जब आप 1 और प्लस कर दें, और पावर हम पॉजिटिव लाना चाहते हैं, तो यदि पॉजिटिव लाना चाहते हैं तो हमें 1 यूनिट वैल्यू, 1 यूनिट डेसिमल को क्या करना पड़ेगा, राइट टू लेफ्ट जाना पड़ेगा। तो ये हमारा हो गया राइट, और राइट से 1 स्टेप आगे की ओर जाएंगे, सॉरी रेलवे लाइन पोजीशन है ना, तो ये आपका ये डेसिमल हो गया, राइट टू लेफ्ट हम यहां पर आएंगे और ये बन जाएगा 0.708 ×
इसको लिख सकते हैं 0.708 इनटू 10 रेस्ट टू द पावर 10। अगला एग्जांपल जो मैंने दिया है इसको क्या करना है, हम यहां इसकी जगह 4 लाना चाहते हैं। 4 तभी हो जाएगा जब हम यहां इसमें 4 स्टेप सबट्रैक्ट कर दें, तो 8 माइनस हो गया 4। अब यहां पर 4 हम यहां माइनस कर रहे हैं तो नेगेटिव पावर आ रही है। नेगेटिव पावर तभी आती है जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो हमने रख दिया 4 7 8। ये हमारा जहां पर पॉइंट है इसको लेफ्ट मानना है, और लेफ्ट टू हमें कहां जाना, राइट जाना है। कितना स्टेप जाएंगे, 4 स्टेप। तो 4 7 8 1 2, दो स्टेप हमारे कम हो रहे हैं तो हमको क्या करना है, 2 0 बढ़ा देना है, 4 7.800। अब डेसिमल यहां आ गया, इस डेसिमल को हाईलाइट करने के लिए हम यहां 0 रख सकते हैं, और ये हमने यहां रखा 10 रेस्ट टू द पावर 8 माइनस 4, मतलब ये आ गया 4 7 8 0 0 इंटू 10 रेस्ट टू द पावर 4। तो दोस्तों हमने यहां पर क्या किया, कभी पावर को इंक्रीज किया और कभी पावर को डिक्रीज किया। अब हम कुछ वैल्यू ले रहे हैं नेगेटिव पावर वाली, और उनको भी हम कम या ज्यादा करेंगे। एक एग्जांपल हम लेते हैं 4.9 × 10⁻⁶। हम जहां पर 10⁻⁶ लिखा है इसको हम -4 बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जब हम इसको -4 बनाना चाहेंगे तो हमें 10⁻⁶ -4 आना चाहिए, तो हम इसमें क्या करेंगे, +2 कर देंगे। यदि हम यहां पर +2 कर रहे हैं तो इसका मतलब हमें 2 स्टेप पॉजिटिव वैल्यू लाना है, और जब भी हमको पॉजिटिव लाना है तो रेलवे लाइन पोजीशन याद करना, पोजीशन मतलब राइट टू लेफ्ट जाना है, तो हमारा जो डेसिमल होगा राइट टू लेफ्ट कितना स्टेप, 2 स्टेप। एक स्टेप आपका यह है, और जितना घटे उतना आपको 0 बढ़ा देना है। तो हमने लिखा राइट टू लेफ्ट 4 9, एक स्टेप इधर आई ये हो गया, और एक स्टेप कम रहा है 0, और इसके पहले 0 रख दिया, यानी हम यहां से 2 स्टेप आ चुके हैं। अब हमने लिख दिया 0.049 × 10⁻⁶ +2, जिसे लिख सकते हैं 10⁻⁴, और ये हो जाएगा 0.049। ठीक है, चलिए हम एक एग्जांपल और लास्ट में ले लेते हैं। इस बार हम पावर को और चेंज करेंगे। सपोज हमने रख दिया 6.26 × 10⁻⁸ रखा हुआ है। हम इस बार -18 को -19 करना चाहते हैं, तो -19 तभी हो सकता है 10⁻⁷, ये तभी हो सकता है जब हम -1 यहां और रखें, तो टोटल आपका -19 हो जाएगा। -1 का मतलब नेगेटिव पावर आप रखने जा रहे हैं, नेगेटिव लाना है, तो हमने जो रूल पढ़ा लेफ्ट टू राइट चलना है, लॉन्ग रेंज नेटवर्क, तो लॉन्ग रेंज नेटवर्क में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो नेगेटिव पावर आएगी। अब ये जहां पर है ये हो गया लेफ्ट टू राइट, कितना स्टेप, 1 है तो 1 स्टेप। अब आगे 6 2.6 × 10⁻⁷ जो ऐसे लिखा था, अब हम इसको लिखेंगे 6 2.6 × 10⁻⁹। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आ चुकी होगी, और इसके बाद मैं अगले वीडियो इनके कैलकुलेशन से रिलेटेड बनाऊंगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करें, और उसमें बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं कि जब भी मैं ऐसी कोई ट्रिकी वीडियो अपलोड करूंगा तो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। धन्यवाद।